उधर गाजा की घेरेबंदी कर हमले की तैयारी में जुटी इसराइल की सेना को ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली। ईरान ने दो टूक कहा कि इसराइल की सेना अगर गाजा में जमीनी हमले करती है तो वो उसकी पहली और आखिरी गलती होगी। और हमास के लड़ाके गाजा में इसराइल की सेना को दफन कर देंगे। ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इसराइल का खात्मा तय है और हमास के लड़ाके इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3,000 से ज्यादा टैंक गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही इसराइल हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे शामिल बताए गए। और उन मौतों को लेकर भी ईरान इसराइल पर भड़का हुआ। ईरान ने इसराइल को धमकी दी कि अगर उसने गाजा पर हवाई हमले नहीं रोके तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।